दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा धर्म वाले लोग रहते हैं और अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत जितना विशाल देश है उतना ही प्राचीन देश भी है। भारत ने अपने अंदर कई सारी घटनाओं को समेटे हुए रखा है। भारत में ऐसी कई कहानियां हैं जो आज तक पहेली ही बनी हुई है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ रहस्यमयी पहेलियों के बारे में बताएंगे जिसे आज तक समझा नहीं जा सका है। बिहार की सोन भंडार गुफाएं एक बड़े से पत्थर से बनाई हुई है और कहा जाता है कि ये गुफा मगध राजा बिंबसार के जमाने की है। लोगों का मानना है कि बिंबसार राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल करता था। सोन भंडार का मतलब सोने का खजाना। जब बिंबसार को उसके पुत्र अजात शत्रु ने कारागार में डाल दिया तब उसके आदेश से उसकी बीबी ने राज्य के खजाने इस गुफा में छिपा दिए थे। यहाँ पर मिली हुई संकलिपि में लिखित शिलालेख है जिसे शायद इस खजाने तक पहुँचने की चाबी मौजूद है। अंग्रेजों ने खजाने को हासिल करने के लिए दरवाजे पर टोप के गोले बरसाए थे जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। कहा जाता है कि कोई भी इस संकलिपि में लिखित शिलालेख को पढ़ेगा तब ये गुफा अपने आप खुल जाएगा, पर आज तक कोई भी इस लिपि को नहीं पढ़ पाया है। बुल्लेट बाबा। इस रहस्य को ओम बन्ना के नाम से भी जाना जाता है। सन 1988 में राजस्थान के ओम बन्ना नाम के एक बुलेट सवार व्यक्ति अपने ससुराल से घर जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां रास्ते में ही सड़क के पास एक पेड़ से टकरा गए और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उस बुलेट को थाने में जब्त कर लिए, लेकिन अगले ही दिन पुलिस कर्मियों को वो बुलेट थाने में नहीं मिली। वो बुलेट बिना सवारी अपने आप चलकर उसी स्थान पर चली गई थी जहां पर ओम बन्ना की मृत्यु हुई थी। पुलिस फिर से बुलेट को थाने लेकर आई और फिर से बुलेट वापस दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने बुलेट को चैन से बांध दिया, लेकिन उसके बाद भी वो बुलेट सबके सामने अपने आप ही स्टार्ट होकर अपने मालिक की मृत्यु स्थान पर पहुंच गई। कई बार ऐसा होने पर वहां के ग्रामीणों को और पुलिसों को ये एक चमत्कार लगा और वो उस बुलेट को उसी जगह छोड़ दिए और आज भी वो बुलेट वहां मौजूद है। उस दिन से आज तक वहां कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि ये जगह राजस्थान के सबसे बड़े दुर्घटना स्थानों में से एक है, पर उसके बाद वहां कोई भी दुर्घटना नहीं हुई और तब से उस बुलेट को वहां के लोग उसे भगवान का रूप दे दिए और इसकी पूजा करना शुरू कर दिए। इस बुलेट को देखने के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, ये घटना सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी फिल्म की कहानी हो, पर यह घटना कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 100% सत्य है। प्रहलाद जानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 88 सालों से कुछ नहीं खाए और ना ही कुछ पिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 100% सत्य घटना है। भारत के रहने वाले प्रहलाद जानी, जिन्हें माता जी के नाम से भी जाना जाता है, वो आज 88 वर्षों से बिना कुछ खाए पिए रह रहे हैं, वो भी पूरी तरह स्वस्थ। इनसे मिलने के लिए विदेशों से कई बड़े डॉक्टर्स के टीम ने इनका पूरा रिसर्च किया, पर वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो रहा है। प्रहलाद जानी अपने आयु के 8वें दशक में भी नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं और ध्यान लगाते हैं। योगी ध्यान व्यक्ति चमत्कारिक गुणों की कहानियों पर भारत में लोगों को आश्चर्य नहीं होता, पर विज्ञान उन्हें स्वीकार नहीं करता। आज भी भारत की धरती पर ऐसे कई लोग हैं जिन्हें कई वर्षों से भोजन नहीं किया, लेकिन वे सूर्य योग के बल पर आज भी स्वस्थ और जिंदा है। भूख और प्यास से मुक्त सिर्फ सूर्य के प्रकाश के बल पर ही वो जिंदा है। प्राचीन काल में ऐसे कई सूर्य साधक थे जो सूर्य उपासना के बल पर भूख प्यास से मुक्त ही नहीं थे, बल्कि सूर्य की शक्ति से वो इतनी ऊर्जा हासिल कर लेते थे कि वो किसी भी प्रकार का चमत्कार कर सकते थे। उनमें से एक सुग्रीव के भाई बाली का नाम भी लिया जाता है। बाली में ऐसी शक्ति थी कि वो जिससे भी लड़ता था वो उसकी आधी शक्ति छीन लेता था। वर्तमान में प्रहलाद जानी इसके बाद का पुख्ता उदाहरण है कि बगैर खाए पिए व्यक्ति भी जिंदगी गुजार सकता है। गुजरात के मेहसाना जिले के प्रहलाद जानी एक ऐसे चमत्कार बन गए हैं जिसे विज्ञान को चौतरफा चक्कर में डाल दिया है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो रहा है। भारत के डॉक्टर 2003 और 2005 में प्रहलाद जानी की अच्छी तरह से जाँच परख कर चुके हैं। इन जाँचों के हेड रहे अहमदाबाद के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह ने कहा कि
उनका कोई शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो जाने अनजाने में बाहर से शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें कैलोरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमने तो कई दिन तक उनका अवलोकन किया है, एक एक सेकंड का वीडियो लिया है। उन्हें न तो कुछ खाया, न तो कुछ पिया और न ही शौचालय गए। 22 अप्रैल 2011 को प्रहलाद जानी डॉक्टरी जांच परख के लिए एक बार फिर अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में 15 दिन तक भर्ती थे। इस बार भारतीय सेना के रक्षा शोध और विकास संगठन का शारीरिक क्रिया विज्ञान संस्था DIPAS जानना चाहता था कि प्रहलाद जानी के शरीर में ऐसी कौन सी क्रियाएं चलती हैं कि उन्हें खाने पीने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। 30 डॉक्टरों की एक टीम ने तरह तरह के डॉक्टरी परीक्षाएं की। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन से उनके शरीर को स्कैन किया, हृदय और मस्तिष्क क्रियाओं को तरह तरह से मापा, रक्त परीक्षाएं की, 2 वीडियो कैमरों के द्वारा 24 घंटे प्रहलाद जानी पर नजर रखी। जब भी वो अपना बिस्तर छोड़ते, एक वीडियो कैमरा साथ साथ चलता। तत्पश्चात यह पाया गया कि प्रहलाद जानी का दावा एकदम सत्य है। वे सचमुच बिना खाए और बिना पानी पिए न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं। इस दौरान हर आधे से एक घंटे में प्रहलाद जानी को फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट और कई अन्य डॉक्टरों के टीम के जरिए इनका चेकअप किया जाता रहा और उनकी रिपोर्ट तैयार की जाती रही। इसके अलावा डॉक्टर शाह ने माता जी के तथ्यों को केस स्टडी के रूप में वेबसाइट पर डालकर दुनिया के चिकित्सकों को इस पहेली को सुलझाने की चुनौती दी है, लेकिन फिलहाल तक कोई भी इस पहेली को नहीं सुलझा पाया है। इसे दैवीय कृपा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके शरीर में ऊर्जा का कोई अतिरिक्त स्रोत जरूर है। वैज्ञानिक इसे करिश्मा कहने से फिलहाल बच रहे हैं, पर इतना जरूर माना जा रहा है कि प्रहलाद जानी आम इंसान से अलग है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।